स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स यदि आप जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जे एस एस सी सी जी एल बी एस एस सी किसी भी एग्ज़ाम का है ना आप प्रिपरेशन करते हैं इन सब में से तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस और साइंस का आज जो है ना ये टोटल तेरह तेरह लेक्चर बारह लेक्चर हो चुका है और आज तेरहवा लेक्चर है ये थर्टींथ लेक्चर में आज हम लोग बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का टोटल दो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीवों का वर्गीकरण है ना यानी हम लोग टैक्सी नॉमी पर के बारे में बात करेंगे कि वर्गी वर्गीकरण विज्ञान जो है जीव विज्ञान के संदर्भ में है ना उसपे हम लोग बात करेंगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये बात का ऐसा है जरूर हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर छूट जाता है स्टूडेंट लोगों का है ना ये जो वर्गीकरण वाला सेक्शन है ना यहाँ से स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन छूटता है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए इसमें जो टर्म्स मिलेगा जो कॉन्सेप्ट मिलेगा उसको याद कीजिएगा समझ गए ना क्योंकि यहाँ पे कुछ याद करने वाला फैक्ट है आपको याद कर लेना चाहिए जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ठीक है तो हम लोग बेसिकली जो भी आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जे का एग्जाम दे रहे हैं सब में देख रहे हैं आप बीस से तीस क्वेश्चन आ रहा है है ना और बायोलॉजी का मान चलिए आपकी दस क्वेश्चन के आसपास फिफ्टी परसेंट वेटेज रहता है यानी कि बीपीएससी में अभी देख पा रहे हैं आप लोग की पच्चीस तीस क्वेश्चन रहता है है ना तो पच्चीस तीस क्वेश्चन में बारह से पंद्रह क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बायोलॉजी से रहता है तो वेटेज चूंकि इसका ज़्यादा है इसलिए इस पर काम करना पड़ेगा अच्छे तरीके से और आपको मेरे क्लास अटेंड करने से जो क्वेश्चन आपका छूट जाता है ना वो क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा समझ गए ना क्योंकि हम लोग लूसेंट और दिस डैट से थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी उस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं जहाँ से जो स्टूडेंट लोगों का छूटता है और जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है समझ गए ना सबसे बड़ा बात कि बायोलॉजी या फिजिक्स है ना फिजिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं दस घंटा से ऊपर का क्लास जो है चैनल पे आपको मिल जाएगा प्ले में आप जा करके देख सकते हैं जनरल साइंस का प्ले है ठीक है तो सबसे बड़ा बात अब क्या बता रहे थे कि बड़ा बात ये है कि हम लोग बायोलॉजी भी डिस्कस जो कर रहे हैं या फिजिक्स डिस्कस किए थे वो चैप्टर वाइज डिस्कस किए थे समझ गए ना तो चैप्टर वाइज करने से क्या हो रहा है कि इसे वर्गीकरण आज पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण से रिलेटेड जितना ही तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो सब का सब क्वेश्चन आपको आज डिस्कस कर देंगे समझ गए ना तो मान के चलिए कि अगर वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन आपके रीच में होगा खास करके वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग तरह का है वो क्वेश्चन आपके रीच में रहेगा भले ही आप कॉमन क्वेश्चन बना दीजिएगा मानते हैं लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर स्टूडेंट लोग का दिमाग से निकलता है तो वो सब का सब यहां इस क्लास से आपको पकड़ा जाएगा तो क्लास में बने रहिए है, है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है ठीक है तो सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है ना और स्टार्ट करते हैं क्लास ठीक है ना क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप थक जाओगे तो आराम करना सीखो है ना हार मानना नहीं क्योंकि आपको अक्सर ना प्रिपरेशन करते करते ऐसा महसूस होगा है ना कि आप काफी थक चुके हैं अब आपसे एग्जाम निकलने वाला नहीं है तो आराम कर लीजिए है ना छोड़िए मत अपने प्रिपरेशन को बीच में है ना आराम कर लीजिए और झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ ये अक्सर होता है है ना फुल प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद पता चला कि एग्जाम ही खत्म हो गया नियोजन नीति जिसके आधार पे एग्जाम आया था वो नीति ही रद्द हो गया तो क्या एग्ज़ाम होगा समझ गए ना तो आप भी एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखिए है ना नियोजन नीति जरूर आएगा है ना और तेईस में ही आएगा समझ गए न आपको नौकरी भी तेईस में ही मिलेगा ये भी बात जो है ना आप मान के चलिए कन्फर्म है है ना क्योंकि इंडिया में जब चुनाव आता है तो नौकरी का बाहर आता है समझ गए तो आप मान के चलिए कि आपका जो है ना इसमें तेईस में है ना आपको अवसर मिलेगा एग्जाम क्वालिफाई करने का है ना आप प्रिपरेशन पेशेंस के साथ करते रहिए है, है ना थक जा रहे हैं तो आराम कीजिए एग्जाम को तैयारी करना मत छोड़िए कि कुछ और करते हैं काफी टाइम हो गया है ना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वेकेंसी सही समय पर नहीं आया इसमें आपका कोई दोष नहीं है है ना इसलिए हर मानने से अच्छा है प्रिपरेशन में बने रहिए ठीक है।, है तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है ना तो डियर चलिए ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा गया अरस्तु को है ना अरस्तु को लिनियस को को और वीट टेकर को है ना वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी है ना टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा गया इसके बारे में आपसे पूछा गया है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन जो दोस्तों है अरस्तु अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है समझ गए ना जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्गीकरण विज्ञान का तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक जो है ना वो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है किसको बोला जाता है कैरोलस लिनियस को कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक बोला जाता है याद रखिएगा ठीक है एक मिनट हेलो हाँ बोलिए हेलो अच्छा अच्छा ठीक ठीक है आपसे अभी हम थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं है ना लाइव क्लास चल रहा है आपसे हम बात करेंगे ठीक है ठीक ओके हाँ जी तो वर्क विज्ञान का जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है कैरोलस लिनियस जो है ना एक पुस्तक पुस्तक लिखे थे सिस्टेमेटा नेचुरी है ना इनका एक पुस्तक का नाम है जो कि सत्रह सो अंठावन ईस्वी में क्या किया गया था पब्लिश किया गया था ये जो सिस्टेमा नेचुरी जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किनका किताब था ठीक है याद रखिएगा स्वीडन के आ, स्वीडन के जैव वैज्ञानिक थे कौन कैरोलस लीनियस आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग है ना ध्यान दीजिएगा कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है ठीक है कैरोलस लिनियस को ध्यान से समझ लीजिए है ना दिमाग में छप जाएगा कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है फादर ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे सर्वप्रथम इनका पुस्तक था कौन सा सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा है ना इनका पुस्तक था जिसमें जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण को व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत किया गया ठीक है जो है ना कैलस लीनियस लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को तीन जगत में एनिमल जंतु पादप है ना प्लांट और खनिज मिनरल्स में विभाजित किया है ना इन्होंने पादप जगत को चौबीस वर्ग और जंतु जगत को वर्ग में विभाजित किया विभाजित किया देखिए ये ये इनका जो किताब था सिस्टेमा है ना इसमें बातें लिखा हुआ है तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसे आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले तो बुक का नाम याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बनता है दूसरा जो है, है ना ये संपूर्ण प्रकृति को तीन जगत जंतु पादप और खनिज में विभाजित किए थे कहीं कहीं दो मिलेगा पादप जंतु तो वो भी सही होगा ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है ठीक है द्वि नाम पद्धति बहु नाम पद्धति संघ पद्धति और वर्ग पद्धति और वर्ग पद्धति बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं है ना आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्या है जीवो के द्विनाम पद्धति का नामकरण का पद्धति है तो द्विनाम पद्धति कौन सा क्या हो जाएगा द्विनाम पद्धति ठीक है द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा है ना बायनोमियल नॉमन क्लेचर बायनोमियल पर आधारित है बायनोमियल नॉमन का मतलब क्या हुआ समझिए जीवों का वैज्ञानिक नाम जीवों का वैज्ञानिक नाम जीवों का वैज्ञानिक नाम कैवलस लिनियस द्वारा द्विनाम नामकरण बायनोमियल नॉमन पद्धति के आधार पर किया गया, किया जाता है है ना

किसी को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आए किसी भी रिसर्च वर्क में दिक्कत नहीं हो इसलिए एक लैटिन वर्ड नाम दिया गया है जो कि सर्वमान्य है ठीक है लैटिन मान्य लैटिन नाम जो है ना इसका दो भाग होता है पहला भाग इस जीव के वंश को बताता है जीन्स को बताता है दूसरा भाग उसकी जाति को बताता है को बताता है ठीक है इस बात को याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन है पूछता है है ना कि जो नामकरण किया गया है इसका दो पार्ट है एक है, एक पहला पार्ट जो है वो वंश को बताता है और दूसरा पार्ट जाति को बताता है अंग्रेजी में वंश का नाम बड़ा अक्षर ठीक है बड़ा अक्षर से वंश का नाम लिखा जाता है जैसे होमोसेपियंस में देखिए आप एच बड़ा अक्षर है ना वंश है है ना और जाति का नाम छोटे अक्षर में लिखा जाता है सेपियंस जाति है है ना जो तो छोटे अक्षर में लिखा गया है उदाहरण के लिए होमो सेपियंस आप देख सकते हैं ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटे इकाई है सबसे छोटा सबसे छोटा इकाई जो है कौन सा है बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बताइए क्या आंसर होगा इसका इसका पीडीएफ आपको जो है ना स्टडी फॉर पीसीएस स्टडी फॉर पीसीएस टेलीग्राम चैनल है उसी पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है आप स्टडी फॉर पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं है ना वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कि जीवो के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपको क्या पता है कि सबसे सबसे बड़ा बड़ा इकाई इकाई कौन सा होता है? होता है? है याद रखिएगा जो ना वो किंगडम होता है सबसे बड़ा इकाई है, है जिसको हिंदी में जगत बोलते हैं और सबसे छोटा इकाई क्या होता है जाति होता है तो आप बड़ा और छोटा याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है देखिए इसका जो सीक्वेंस क्या होता है समझिएगा इसका सीक्वेंस क्या है ना उसको आप लोग समझिए ये तो लगता है गायब हो गया फिर से है ना ये बहुत बड़ा समस्या इसका सीक्वेंस जो है ना क्या है समझने का प्रयास कीजिए है ना सबसे तो पहले आता है किंगडम थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा अचानक से गायब हो जाता है पता नहीं कैसे हम लोग थे क्वेश्चन नंबर थ्री पर ठीक है थ्री का डिस्क्रिप्शन देखते हैं लुक एट स्किन। ध्यान दीजिएगा आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर निम्नलिखित है अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा यानी सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा बड़े का ना सबसे बड़ा कौन है तो ये आएगा जगत किंगडम उसके बाद आता है फाइलम संघ उसका आता है वर्ग क्लास उसका आता है गुण ऑर्डर उसके बाद आता है कुल फैमिली उसका आता है वंश जेनस उसका आता है जाति स्पीशीज समझ गए ना यानी कि ध्यान रखिएगा जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई है यानी किंगडम सबसे बड़ा इकाई है और जाति सबसे छोटा इकाई है है ना इस बात को याद रखिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ठीक है बाकी वाला पीडीएफ देख लीजिएगा थोड़ा सा आपको रिविजन करने में काफी हेल्प मिल जाएगा जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा उद्देश्य नहीं है देखिए ये वाला सेक्शन जो है ना ये वाला जो सेक्शन है ना जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है ठीक है वर्गीकरण सेक्शन ही से स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन छूटता है, है ना और आप अगर यहाँ से बना पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर दूसरे से बेहतर होगा दूसरे से जो ज्यादा अच्छा नहीं करना होता पांच सात दस क्वेश्चन अच्छा कर लीजिएगा उसी में आप अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर जाइएगा समझ गए जो क्वेश्चन सभी कोई नहीं कर पा रहे हैं उसको आपको करने का प्रयास करना है दैट इज द मेन थिंग जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है कुल निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना है ना कुल कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना यह आपका प्रमुख उद्देश्य में से एक है, है ना समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना ये भी वर्गीकरण करने का प्रमुख आधार है है ना हम लोग देखते हैं कि भाई इसका जो नेचर एक टाइप का है यह सबका सब, सब उड़ सकता है तो ये बर्ड वाला कैटेगरी में आएगा है ना ये जो है सो पान में भी रह सकता है और ये जो है सो ऊपर भी रह सकता है तो भयचार्य कैटेगरी में आएगा है ना ये रेंगता है तो रेप्टाइल कैटेगरी में आएगा तो जीवों के विकास की परिवर्तन को दर्शाना तो ये तीनों का तीनों दोस्तों वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है भिन्न भिन्न भाषाओं के जीवों का नाम दर्शाना यह आपका गलत है ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा तो बेसिकली ये तीनों में से कोई भी चीज आपका ऑप्शन में रख सक रख सकता है और पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है या कौन सा उद्देश्य नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था है ना ये क्वेश्चन भी बाबू पूछता है क्योंकि आज की डेट में ये हाईलाइटेड है है ना फाइव किंगडम का वर्गीकरण कौन दिया था है ना कौन पांच किंगडम प्रणाली का है ना प्रस्तुत किया था Heckler, Victor, है ना कैरोलस लिनियस और Copeland, या राइट याद रखिएगा रखियेगा है ना विटेकर जो है आपका राइट आंसर होगा विटेकर जो है पांच जगत का वर्णन किया था है ना? क्या किया था पांच जगत का वर्णन किया था चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आता है जो आप अभी ऑप्शन देख रहे थे ना उसको देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा हो सके तो एक, एक बार याद भी करने का कोशिश कीजिएगा ठीक है ठीक है जे का तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है जे का प्रिपरेशन कीजिए और जे का प्रिपरेशन करने में मेरा ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा है ना तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ठीक है और लगातार जे से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त कंटेंट पीटी और मेन्स का चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और आप ऑलरेडी अपलोडेड है समझ गए ना जो आपको एकदम बहुत शानदार लगेगा आपको यूजफुल लगेगा तो चैनल पे बने रहिए है, है ना और क्लास करते रहिए जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालिया प्रस्तुत की गई है भाई इसको याद करना पड़ेगा <coughs> देखिए दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस का नाम आता है पूछेगा तीन जगत का वर्गीकरण है ना कौन किया था तो हेकल का नाम आता है चार जगत का वर्गीकरण कौन किया था तो कोपलैंड का नाम आता है पांच जगत का नाम आता है तो आर एच वी टेकर का नाम आता है आर एच वीटेकर का नाम आता है ये आर एच वीटेकर जो है ना अब ये आर एच वीटेकर जो है है ना पांच पांच जगत में इसको बांटा है है ना पहला मोनेरा दूसरा प्रोटिस्टा तीसरा पादप चौथा कवक पांचवा जंतु पांचवा जंतु अब धीरे-धीरे इसके बारे में भी जैसे जैसे हम लोग क्लास में बढ़ेंगे तो आप मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है प्रतिष्ठा के अंतर्गत कौन सा आता है पादप के अंतर्गत कौन आएगा कवक के अंतर्गत कौन कौन आएगा इसके बारे में आप पढ़ते पढ़िएगा आगे एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम लोग देखेंगे इसलिए परेशान मत होइए क्योंकि हम लोग थियोटिकल क्लास अभी नहीं चल रहा है है ना हम लोग क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तभी अभी फं जाएगा है ना सवाल आएगा ठीक है तो सब का सब आप समझते चले जाइएगा और साथ में उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट क्वेश्चन बन रहा है जो क्वेश्चन आता है वो सब का सब करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है पूरा क्लास कीजिएगा बीच में मत छोड़िएगा यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा बता रहे हैं है ना नींद लग रहा है तो, तो भूल जाइए नींद को है ना क्लास कीजिए क्योंकि क्लास जब तक नहीं कीजिएगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है है ना हम लोग भी देखिए इतना मेहनत करके जो है सो काम कर रहे हैं है ना पढ़ा रहे हैं भर दिन <coughs> भर दिन सुबह सात बजे से पढ़ाने के बावजूद है ना अभी रात नौ नौ दस, दस बजे अभी साढ़े नौ दस हो रहा है अभी भी क्लास ले रहे हैं ठीक है आपके लिए तो अब भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है ठीक है जंतु और पादप जंतु और पादप यानी कि एनिमल और प्लांट का जो है ना वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते, है? बोलते हैं रखिएगा क्या बोलते हैं है. इंग्लिश है? है. में क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी है ना अनुवांशिकी बाबू जेनेटिक्स को बोलते हैं अनुवांशिकी किसको बोलते हैं जेनेटिक्स को बोलते हैं है. ध्यान दीजिएगा यहां पर यह नाम है ना जीवों एवं जंतुओं के जीवो एवं जंतुओं के जंतुओं के पादप वैज्ञानिक वैज्ञानिकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है है ना? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया की या मोरफोलॉजी कहलाती है है ना वर्गीकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू की या मोर्फोलॉजी बोलते हैं

क्योंकि क्लास चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का इसलिए चैप्टर से एवरीथिंग लिंक होते चले जाएगा और आपको बहुत इंजॉय कीजिएगा क्योंकि फाइनली जब 10-12 घंटा क्लास हो चुका रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा ये मेरा गारंटी है है ना इसलिए एकदम बढ़िया से बने रहिए है रिविजन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है कि आप ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा सिनेमा तो चल नहीं रहा रहेगा स्टोरी समझ में आ जाएगा है ना आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो रिविजन है ना साथ में लिखना पड़ेगा आपको जो जिनको भी क्वेश्चंस का आंसर आता है वो काइंडली क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए जो भी आपको समझ में आ रहा है है ना वो आप आंसर करने का प्रयास कीजिए कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है मोनेरा जगत में कौन शामिल नहीं है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नीलहरित और कवक माइकोप्लाज्मा और कवक बताइए बताइए सभी को आंसर कीजिए बहुत बढ़िया श्रुति हेमंती उमेश जी आप लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा है ना टोटल इलेवन स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं लाइव इस क्लास को तो काइंडली सभी कोई, है ना इसको लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए है ना ताकि और जो है चैनल से जुड़ पाए और जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट है ना आपके आंसर का इंतजार है क्या आंसर कीजिएगा है ना बताइए कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है मोनेरा जगत में कौन सा जीव शामिल नहीं है यह आपको बताना है मोनेरा जगत मोनेरा जगत में कौन सा जीव शामिल नहीं है देखिए जीवाणु नील हरित और माइको प्लाज्मा जीवाणु नील हरितवल और माइको प्लाज्मा दोस्तों है ना ये जो है ना मोनेरा किंगडम से रिलेटेड है समझ गया ना किससे रिलेटेड है मोनेरा किंगडम से रिलेटेड है और ये जो कवक है ना ये प्रोटेस्टा किंगडम से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है प्रोटेस्टा से है ना तो अब सवाल ये उठता है कि आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं है ना आपको काफी हेल्प मिलेगा यहां से है ना हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि टैक्सोनॉमी में ना डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है है ना आपको आपको ये पीडीएफ हम आज ही प्रोवाइड कर देंगे स्टडी फॉर पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे आप दोबारा इसको वहां से अपलोड देख फोल करके जरूर से रिवीजन कीजिएगा एक बार आज से कल में रिवीजन कर लीजिएगा ना सबका सब, सब दिमाग में बैठ जाएगा जीवाणु जीवाणु निर्हरित शैवाल माइक्रो मोनेरा जगत में शामिल है मोनेरा जगत क्या है भाई ये एक कोशिकीय प्रोकेरिया जीव है है ना एक कोशिका वाला प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें केंद्रक का क्या होता है अभाव हाँ होता है प्रोकैरियोटिक जीव में याद रखिएगा केंद्रक नहीं होता है दो प्रकार का जीव होता है एक प्रोकैरियोटिक जीव एक यूकैरियोटिक जीव समझ गए ना जब कोशिका बताएंगे तो वहां पर इस चीज को समझा देंगे और अच्छे तरीके से है ना किस में क्या क्या चीज का, का अभाव हाँ होता है क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता टेंशन मत लीजिए है ना क्योंकि अभी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन आया केंद्र किसको बोलते हैं कोशिका भित्ति किसको बोलते हैं है ना और उसके वाला माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है दिस क्या होता है राट क्या होता है बहुत सारा नाम आएगा ठीक है धीरे धीरे तो जब आप कौशिका पढ़िएगा तो वहां पर सब लिंक होगा है ना उसी का पार्ट में तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा याद भी हो जाएगा टेंशन नहीं लेना है बस बढ़ते चले जाना है तो मोनेरा जगत कैसा होता है वो मोनेरा किंगडम जो है उसमें एक कौशिकीय जीव होता है ठीक है एक कौशिकीय प्रोकरिएटिक जीव होता है और इसमें क्या होता है केंद्रक का अभाव होता है केंद्रक का अभाव होता है एग्जाम्पल में क्या कह लिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नीलहरित सेवाल और माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है अकिरिया अथवा आरकी बैक्टीरिया तथा यूके बैक्टीरिया है ना कवक मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल है तो ये भी याद रखिएगा कवक किस किस किंगडम से रिलेट करता है तो प्रोटिस्टा किंगडम से कवक रिलेट करता है जीवाणु निर्धारित सहवाल माइकोप्लाज्मा किससे रिलेटेड करता है मोनेरा जगत से रिलेट करता है ठीक है थीके? आपको क्लास को अटेंड करते करते दिमाग में सेट हो जाएगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके ईमानदारी पूर्वक बस सुनते रहिए है।, है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ऑप्शन देख के आप टिक कर दीजिएगा ये मेरा गारंटी है विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटोजोआ इनमें से कोई नहीं विषाणु यानी कि वायरस <सकति> बताया जाए आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है केसन केशव सनाफरीन हेमंती उमेश है ना बताइए आप लोग आंसर बताइए फटाफट विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटोजोआ इनमें से कोई नहीं यह देखिएगा विषाणु जो है ना स्वपोषी जीव होता है ठीक है इसलिए वो निम्नलिखित में से कोई भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा ठीक है कोई भी किंगडम से बिलोंग नहीं करेगा आंसर तो अच्छा इनमें से कोई नहीं ठीक है इनमें से कोई नहीं वायरस जो होता है ना इसका संरचना जो होता है प्रोटीन के अंदर है ना न्यूक्लिक एसिड का संकेंद्रण होता है वायरस में विषाणु में समझ गए ना एक चीज भी पूछता है है ना इस बात को ध्यान रखिएगा यह स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव जैसा व्यवहार करता है लेकिन जैसे ही किसी के बॉडी में प्रवेश करता है तो एक्टिवेट हो जाता है सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है ठीक है विषाणु के बाबू अति सूक्ष्मीय नन सेलुलर संरचना वाले नन सेलुलर संरचना वाले संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या है न्यूक्लियर प्रोटीन है ठीक है जिनमें जिनके प्रो, जिनमें प्रोटीन का क्या होता है आवरण होता है कैप्सिड जो होता है ये जो कैप्सिड है वो किसका होता है प्रोटीन का होता है है ना प्रोटीन का कैप्सिड से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है ठीक है क्या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल विषाणु जीवित जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव के समान व्यवहार करता है यानी स्वतंत्र अवस्था में क्या रहता है निर्जीव के समान व्यवहार करता है लेकिन जैसे ही हमारे आपके या किसी एनिमल के शरीर में है ना किसी परपोषी के शरीर में जैसे ही इन करता है तो सजीव के तरह व्यवहार करने लगता है इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या कर दीजिएगा विषाणु विषाणु यानी कि वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं को जंतुओं के वरीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है इस बात को ध्यान रखिएगा मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है वायरस को जंतु के वरीकरण में किसी भी किसी भी इसमें शामिल नहीं किया गया है एकदम ध्यान से याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया श्रुति आपका राइट आंसर है हेमंती उमेश जी राइट आंसर है है ना चलिए बहुत अच्छा क्या सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है और आवाज क्लियर जा रहा है ना आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार बता दीजिएगा कमेंट में देखिए लगातार आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दस बज रहा है, है ना लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं बस आप लोग जुड़े रहिए है, है ना और क्लास करते रहिए जरूर सफल होइएगा हर एक एग्जाम के रिजल्ट में मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट जरूर रहता है कल भी स्टेनोग्राफी का एस एस स्टेनो का रिजल्ट आया है है ना तीन चार स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई किए हैं तो एकदम आप लोग एकदम पूरे विश्वास के साथ बने रहिए मेहनत करते रहिए सफलता जरूर मिलेगा है ना चलिए अगला क्वेश्चन है विषाणुओं के संबंध में विषाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है मोनेरा जगत के से संबंधित एक कोशीय जीव केंद्रक युक्त और स्वपोषी कौन सा संबंधित नहीं है मोनेरा जगत से संबंधित एक कोशीय जीव स्वपोषी और केंद्रक युक्त बताइए विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक युक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा केंद्रक युक्त ठीक है क्योंकि क्योंकि जीवाणु में जो होता है ना वो केंद्रक नहीं होता है ये मोनेरा जगत का है आपको पहले बताए थे ये मोनेरा जगत का जगत का मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है ना ये क्या है युके होता है ये ये क्या होता है आपको ये क्या होता है एक कोशिकीय जीव है है ना बैक्टीरिया क्या है एक कोशिकीय जीव है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आंसर हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आप इसका एक बार देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन जीवाणु मनोरो जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है हम लोग वही पहले देखे थे है ना और कोशिकाओं के केंद्रक नहीं पाया जाता है केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि एक कोशिकीय जीव है है ना अधिकांश जीवाणु विषम पोषी होते हैं परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करवाते हैं यानी कि यानी कि जीवाणु में जीवाणु विषम पोषी है ना हेट्रोट्रॉफ और स्वपोषी ऑटोट्रॉफ दोनों प्रकार के होते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा है ना यहाँ पर समझने वाला यही चीज है और जीवाणु जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है तो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है जीवाणु कैसा जीव है तो एक कोशिकीय जीव है इसमें क्या नहीं पाया जाता केंद्रक नहीं पाया जाता अगला क्वेश्चन अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं है कौन सी सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं बताइए सहवाल विषाणु तवक माइकोप्लाज्मा क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, है इतना इजी क्वेश्चन है कि आई थिंक सो आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है राइट right आंसर क्या होगा माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ठीक है माइको माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आगे क्वेश्चन है कवक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कवक कवक यानी कि फंगय है ना फंजय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है आपको बताना है ठीक है बोल रहे कवकों के विषय में कौन सा असत्य है कवक का यानी फंजय का अध्ययन माइकोलॉजी में के अंतर्गत किया जाता है ये हम लोग जानते हैं कि फंजय का अंतर्गत जो कवक होता है ठीक है इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं तो माइकोलॉजी में करते हैं फंगी का अध्ययन है ना और जो सवाल होता है उसका अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत होता है याद रखिएगा कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं मशरूम कवक के उदाहरण है क्या आंसर कीजिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है याद रखिएगा कवक जो है ना अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ऑप्शन सी जो है ये असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा असत्य होगा चलिए बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं है ना और आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका आपको फायदा भी मिलेगा फायदा इस सेंस में मिलेगा कि आपको आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएगा है ना और चीजें एक्शन पे अगर रिएक्शन होता है ना तो चीजें अधिकांश समय तक याद रहता है लंबे समय तक याद रहता है कवक एक एक कोशिकीय अथवा बहु कोशिकीयरियटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है समझ गए ना युकैरिएटिक जीव में केंद्रक पाया जाता है है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे के जैसे यानी कि कवक सूत्र हाइफ़ बोलते हैं इसको से बना होता है इनमें पर्णहरित नहीं, इन नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ठीक है क्या नहीं पाया जाता है बहुकोशिकीय कवक जो होता है बहुकोशिकीय कवक जो होता है इसमें क्या नहीं पाया जाता है पर्णहरित नहीं पाया जाता है इसलिए ये अपना भोजन अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं पोषण के आधार पर कवक तीन प्रकार के होते हैं सहजीवी परजीवी पैरासाइट है ना और मृत पोषी है ना याद रखिएगा कवक तीन प्रकार का होता है पोषण के आधार पे सहजीवी परजीवी और मृत पोषी ठीक है मृतोपजीवी तो ये तीन प्रकार आपका कवक का हो गया कवक से बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग तरह का बनता है जो अभी डिस्कस करेंगे एकदम ध्यान से समझते रहिए एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा यहाँ से है ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में जो फ होता है फंगी जिसको बोलते हैं हम लोग है ना इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के खाद्य पदार्थ के रूप में होता है तो होता है। अल्कोहल निर्माण में होता है यस होता है ब्रेड बनाने में होता है तो यस होता है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्यान समझिए यहां पर ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है है ना क्या असत्य कथन है लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है ये कवक तथा सेवालों के सहजीवन का परिणाम है अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है ये मृदा को हानि पहुंचाती है।, है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है है ना आप बताएं कि क्या आंसर कीजिएगा थर्टी सेकेंड वेट करते हैं आपके लिए है ना सभी को आंसर करने का कोशिश कीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है। देखिए कितना भी आप तेज स्टूडेंट है ना आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा कितना भी तेज स्टूडेंट क्यों नहीं है है ना आपको रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन उस क्वेश्चन में करना पड़ेगा जिसमें आप फंसते हैं समझ गए ना तो आप जब खुद से भी किताब पे करते हैं ना तो रेड ब्लू ग्रीन मार्कर का यूज कीजिए कि भाई ये क्वेश्चन एकदम पूरा ब्लैंक जा रहा है जब नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा तिबारा रिविजन करना पड़ेगा हम लोग भी करते हैं डेली करते हैं अभी क्लास खत्म होगा फिर एक दो घंटा पढ़ेंगे उसके बाद सोएंगे समझ गए ना तो आपको भी रिविजन एकदम करना ही करना पड़ेगा नहीं करने का कोई उपाय नहीं है समझ गया ना और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन सीधे आता है उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है है ना जिसका आने का चांस है तो आप लोग बताएं क्या आंसर कीजिएगा थर्टीन का चलिए राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर जो दोस्तों इसका होगा राइट आंसर वो होगा ये मृदा को हानि पहुंचाती है याद रखिएगा लाइकेन जो है ना मृदा के लिए लाभदायक होता है मृदा के लिए लाभदायक होता है लाइकेन है ना मृदा का निर्माण में लाइकेन सहायक होता है ध्यान से समझिएगा लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है है ना पहला ही लाइन से क्वेश्चन उठा पूछ के पूछता है लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है है ना जो कवक फंगे और सवाल के मध्य सहजीवी के रूप में व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है ये दूसरा लाइन है, है दो क्वेश्चन तो तीसरा लाइन देखिए बोल है इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल खनिज लवण विटामिन आदि प्रदान करते हैं जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के, के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को, को पोषण प्रदान करते हैं लाइकेन का प्रयोग बाबू आई एस तक में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में उल्टा के देख लीजिएगा आप लोग लाइकेन का प्रयोग मिर्गी खांसी पीलिया डायरिया आदि के रोगों में औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है याद रखिएगा ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाती है बल्कि मृदा के निर्माण में सहायक होता है ये मृदा के निर्माण में क्या होता है सहायक होता है बीपीएससी आपको पहले भी दिखाए हैं यही डिस्क्रिप्शन से सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ देगा और आपका छूट जाएगा क्योंकि अधिकांश स्टेट पूरा प्रीवियस तो सिर्फ क्वेश्चन बनाते हैं उसका जो डिटेलिंग है उस पर कभी काम नहीं करते हैं इसे कारण क्वेश्चन क्या होता है छूटता है नेक्स्ट देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है सवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए है ना सवाल के विषय में एलगी के विषय में आपको है ना राइट right स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है क्या यह सही है बताएं। है बताएं ना प्राय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजनों का भोजनों का निर्माण करते हैं विश्व का लगभग बहत्तर प्रतिशत तो ऑक्सीजन सेवालों द्वारा किया प्राप्त होता है और उपयुक्त सभी बताइए क्या आंसर कीजिएगा इसका और क्यों आंसर कीजिएगा ठीक है ना इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग सभी को क्या आंसर होगा और क्यों आंसर होगा चलिए बहुत अच्छा है आप लोग में से अधिकांश स्टूडेंट का राइट right आंसर है राइट आंसर होगा ऑल उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा है ना उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा टोटल क्वेश्चन है है ना सभी क्लास क्लास में बने रहिएगा छोड़ के नहीं जाना है नहीं तो आपका जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको आगे और मिलेगा जिस जो एग्जाम में आता है और स्टूडेंट लोगों का छूटता है वो आपका मिस हो जाएगा है ना ध्यान रखिएगा सवाल यानी अलगी पागल जगत के सबसे सरल जीव हैं जिन्हें प्राय पर्णहरित जिनमें प्राय प्रणहरित यानी क्लोरोफिल पाया पा जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं स्वपोषित क्यों होते हैं क्योंकि पाया जाता है है ना जिनमें जो जीव में हर्णी हर्णी नहीं पाया जाता है वो अपना खाना कैसे बनाएगा नहीं बना सकता है तो सहवाल में प्रणहरित पाया जाता, जाता है जिसके कारण ये स्वपोष्य होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं सहवाल ताजा जल समुद्र आद्र मृदा पेड़ों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं विश्व का लगभग बहत्तर परसेंट ऑक्सीजन सवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है यह भी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है एग्जाम में आने वाला है सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत होता है याद रखिएगा सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी पचहत्तर बार एग्जाम में आया है एक दो बार एग्जाम में नहीं आया है समझ गया है ना तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा देखिए यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है है ना एग्जाम में आया हुआ है कि लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया कारण विशिष्ट सवालों की, की उपस्थिति के कारण इस विशिष्ट उपस्थिति के कारण और इनमें से कोई नहीं लाल सागर को जो है ना, लाल सागर को लाल सागर क्यों बोला जाता है? आपका प्रश्न पर मुख्य प्रश्न यही है है ना क्लियर ना तो बताएं लाल सागर को यह नाम क्यों दिया जाता है बताइए लाल सागर को यह नाम क्यों दिया जाता है बताइए बताइए उमेश जी लाल सागर को यह नाम क्यों दिया जाता है है ना क्या कारण है तो पहला बात तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे इविट लोगों का राइट आंसर है उमेश जी सिमी जी है ना श्रुति आप लोगों का सभी का राइट आंसर है है ना तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विशिष्ट सेवालों की उपस्थिति के कारण समझ गए ना विशिष्ट सेवालों की उपस्थिति के कारण क्या आपको इस सहवाल का नाम पता है ये जो सवाल होता है ना प्रभु ये सवाल जो है के कारण जल जो है ना नीला और हरा टाइप का प्रतीत होता है लाल सागर का लेकिन ये सवाल जब मर जाता है तो मर जाता है तो ये सवाल का रंग जो है ना भूरा और लाल हो जाता है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है लाल सागर में जिसे कारण पानी का कलर जो है भूरा लाल टाइप का प्रतीत होता है इसलिए इसको लाल सागर बोलते हैं और आपको बता दें ये जो सवाल है विशिष्ट प्रकार का इसका नाम एग्जाम में पूछ सकता है दिमाग में रखिएगा एरिथ्रियम नामक नाम का ये सवाल है ठीक है याद रखिएगा है ना एक बार देख लीजिएगा हो सकता है एग्जाम में पकड़ा जाए लाल सागर में ट्राइकोडेसमियस एरिथ्रियम ट्राइकोडेसमियस एरिथ्रियम नामक नामक नीलहरित शैवाल आयत मात्रा में पाए जाते हैं है ना लाल सागर जब ये शहवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है यही कारण है कि लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है समझ गया ना यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अब का राइट आंसर हो जाएगा कवक का उपस्थिति के कारण समझ गए ना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सॉरी सवाल सवाल का बहुतायत मात्रा में पाए जाने के कारण तो रखिएगा है ना ऑप्शन में आएगा तो आप पकड़ लीजिएगा आंसर कर दीजिएगा ठीक है रीजन आपको पता चल ही गया है है ना दोस्तों जेपीएससी बीपीएससी या कोई भी पीटी एग्जाम समझ गया ना पीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव उब, धुआंधार बनाना पड़ेगा समझ गया ना कितनों आप मार्क तीसमार खा है कितने तरारे हैं है ना पीटी निकालना कभी भी आसान किसी के लिए नहीं होता है सही तरीके से धुआंधार बनाना पड़ेगा इस बार आप जे पी एस दिए हैं लेकिन अगला बार आपका पीटी निकल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है छठा जे में कुछ एविडेंस लोग थे ऐसे है ना जो पाँचवा जे में भी कुछ एविडेंस लोग थे जो लोग पीटी दिए थे लेकिन नहीं निकाल पाए है ना जो कि वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं फिर भी नहीं निकाल पाए तो रीजन क्या होता है उसके लिए है ना रीजन क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा आपका पुराना पढ़ा हुआ जो है ना ऐसा नहीं है कि आप एक बार निकाल लिए तो हमेशा निकाल दीजिएगा तो नॉस्टॉक एवं नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाले तो स्थितीकरण करने वाला सेवाल का नाम क्या है नॉस्टक एवं एनाबीना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एकदम रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को ठीक है कारा क्या इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में और आप छोड़ के आइएगा अगर थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़िएगा तो है ना यहाँ देखिएगा नामक सवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा सेवल करता है तो नॉस्टक और एनाबीना नॉस्टक और एनाबीना क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है समझ गए ना वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में स्टारगामस सेवल जो है वो स्टारगामस जो है ना स्टारगामस अलगी जो है ये जापान में कृत्रिम ऊन तैयार करने में तैयार किया जाता है इससे है ना एंड क्वेश्चन पूछता है कि जापान में कृत्रिम ऊन कृत्रिम ऊन है ना आर्टिफिशियल ऊन जो है किससे तैयार किया जाता है याद रखिएगा से से, से तैयार किया जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट uh, है आपका पशुओं के चारे के रूप में भी ऐसा क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है पशु के चारों के रूप में नेक्स्ट है कारा कारा नामक सेवाल जो है ना अब कारा नामक सेवाल मलेरिया के रोग में उपचार में किया जाता है मलेरिया के उपचार में किस सवाल का यूज किया जाता है तो कारा नामक सेवाल का यूज किया जाता है नेक्स्ट है लेरियारिया लेरिया लेमिने लेमिनेरिया का लेमेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है ठीक है लेमेनेरिया से क्या प्राप्त करते हैं तो आयोडीन प्राप्त करते हैं है ना इसे भी ध्यान में रखिएगा कि लेमनेरिया से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है अनियत तापी तापी अनियत है ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल किस में आते हैं याद रखिएगा मध्य सरिश्रीप यानी कि फिश रेप्टाइल और एम्फीबियन ये तीनों का तीनों ये तीनों का तीनों जो है ना किस में आएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आएगा क्योंकि ये के अनुसार अपने बॉडी का तापमान एडजस्ट करने में सक्षम होते हैं वहीं पर मनुष्य जंतु या फिर जो है सो जो भी मैमल्स हैं वो ये करने में सक्षम नहीं होते हैं इसलिए उनको हॉट ब्लडेड एनिमल बोला जाता है ठीक है ध्यान को, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड क्या होता है एक बार समझ लीजिए फिर से ऐसे जंतु ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं है ना वो कोल्ड ब्लड जंतु कहलाते हैं, ठीक है? कोल्ड जंतु कौन होते हैं तो वैसा जीव जंतु जो वातावरण के तापमान के अनुसार कौन कौन आता है मत्स्य यानी कि फिशरीज एम्फीबियन सरीसृप यानी रेप्टाइल क्लास है ना का जीव आता है इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है वे नियत तापी वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं ठीक है जैसे कि आपको हो गया पक्षी या फिर स्तनधारी यानी कि मनुष्य लोग है ना जीव जंतु क्लियर अगला क्वेश्चन है पक्षी और चमगादर दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं पक्षी भी उड़ सकता है और चमगादर भी उड़ सकता है फिर भी चमगादर पक्षियों से भिन्न है क्यों है ना चमगादर पक्षी से क्यों भिन्न है बताइए चार रेशमों वाले हृदय होने के कारण मध्यपट डायफ्राम के कारण, पंखों के कारण और लघु मस्तिष्क के कारण क्या आंसर कीजिएगा और क्यों आंसर कीजिएगा बताइए तो याद रखिएगा चमगादड़ पक्षी से इसलिए भिन्न है क्योंकि चमगादड़ में मनुष्य के भांति है ना मध्यपट पाया जाता है डायफ्राम पाया जाता है जो कि पक्षी में पक्षी में वायुकोष पाया जाता है एयर सैक्स पाया जाता है समझ गया ना इस बात को ध्यान में रखिएगा ध्यान दीजिएगा है ना, से समझिएगा पक्षी चमगादर की शारीरिक संरचना में अंतर होता है चमगादर में मनुष्यों की तरह मंद पट पाया जाता है डाय प्रम्प्राम पाया जाता है जबकि पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोष वायुकोष एयर सेक्स पाया जाता है समझ गए ना इस कारण चमगादर जो है क्या है भिन्न है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं लिम्नोलॉजी मेलेकोलॉजी हर्पीटोलॉजी और निथोलॉजी बताइए आंसर क्या होगा इसका है ना इसका आंसर बताइए क्या कीजिएगा आप लोग पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं है ना ये आप लोग सभी को जानते हैं और निथोलॉजी बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं बर्ड का स्टडी करते हैं क्या आप बता सकते हैं लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं बताइए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ही आप लिम्नोलॉजी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आप हमें बताएं कि लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं थर्टी सेकेंड का हम टाइम देंगे उन्नीस नंबर का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए है ना थर्टी सेकेंड का आपके पास टाइम है नाइनटीन नंबर का आप आंसर करके हमें बताइए लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं यह आपको बताना है लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं बताइए वेटिंग फॉर योर आंसर ध्यान रखिएगा बाबू लिम्नोलॉजी जो होता है ना लिम्नोलॉजी के अंतर्गत तालाब झील पोखर इस सबका अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया तालाब झील पोखर अध्ययन करते हैं कि जीवों का अध्ययन करते हैं है ना वहीं पर हर्पिटोलॉजी जो होता है ना हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर प्राणी उभयचर जीव यानी कि एम्फीबियन और सरीसृप जीव यानी कि रेप्टाइल उसका अध्ययन करते हैं समझ गए हर्पिटोलॉजी और मेलेकोलॉजी देखिएगा से मेलेको, मौसे मेलेको और मौसे मौलास्क। तो मोलास्कलास्का संघ का जो भी जीव है है ना उसके हम लोग मेलेकोलॉजी का अध्ययन करते हैं जो मोलास्का संघ से बिलोंग करता है क्लियर ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है बकरी की फसल की मछली की प्रवाल कोलर की कोरल की ये भी क्वेश्चन बाबू बहुत सारे गलत बना के आते हैं और गलत कर देते हैं है ना बताएं बताएं इसका आप बताएं इसका आंसर आंसर क्या करेंगे कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है बकरी फसल मछली और प्रवाल कोरल है ना इसका आंसर बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थर्टी सेकेंड का आंसर करने का टाइम देंगे एकदम दें इंस्टेंट रिएक्शन लीजिए क्विक आंसर कीजिए है ना क्विक आंसर कीजिए दोस्तों चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं पूरा का पूरा बायोलॉजी को उसके बाद फिर आएंगे केमिस्ट्री पे उसके बाद आएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पूरा का उड़ा देना है जेपीएससी खत्म समझ गए ना पीटी आपका वैसे ही निकल जाएगा क्लियर ना बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल से है ना पीटी मेंस दोनों का सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और डेफिनेटली आपको मेरा क्लास आपके सफल होने में है ना बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा ये मेरा जो है सो वादा है समझ गया है ना क्योंकि इस बार भी जेपीएससी बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्वालिफाई किए हैं लगभग टेन प्लस स्टूडेंट है ना इंटरव्यू तक जो है सो आपको मदद मिलेगा है ना आप चैनल से जुड़े रहिए जबरदस्त ठीक है कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है आप लोग नहीं बताए अभी तक है ना तो चलिए सिमी श्रुति उमेश आप लोगों का राइट आंसर है बहुत बढ़िया कॉड मछली का प्रजाति है कॉड किसका है? वो मछली का प्रजाति है है ना ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है है ना ऑलरेडी आया हुआ है लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ना कॉड कॉड क्या है गैडस वंश की मछलियों की, का सामान्य नाम है किस वंश का गैडस वंश का ठीक है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी है ना सी फ्लोर या लेक बेड में रहती है कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है इसके मुख्यतः तीन प्रजातियां पाई जाती है अटलांटिस कॉड पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड ठीक है ये इसका तीन प्रजाति है तो कॉड जो है गार्डस वंश की मछलियों का क्या है सामान्य नाम है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है पेंथेरा लियो पैंथेरा टाइग्रिस एलिफेंस इंडिकस और बोस डोमेस्टिकस है ना आई थिंक सो आप लोग जानते होंगे है ना भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो या पैंथेरा टाइग्रिस क्या आंसर होगा बताइए याद रखिएगा पेंथेरा टाइग्रिस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर पैंथेरा टाइग्रिस टाइगरिस जो है वो क्या होगा राइट right आंसर होगा आप थोड़ा सा लुक एट बोर्ड स्क्रीन पर देखिए भारत का भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जैसा कि आप लोग जानते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर है ठीक है वैज्ञानिक <laughs> नाम आपको याद रखना पड़ेगा जैसे कि आपका झारखंड का राष्ट्रीय पशु जो है झारखंड का जो पशु है, है ना राज्य पशु ठीक है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है

ठीक है बाघ का संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है बाघ से संबंधित भारत में झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है क्या आप उसका नाम जानते हैं वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है समझ गया ना तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है जब आप झारखंड पढ़िएगा तब भी आपको उसको लिंक करके बताएंगे आपको झारखंड भी बहुत अमेजिंग लगेगा मेरा क्लास है ना थोड़ा सा अलग लगेगा आपको लगे कि यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता हमको मिलेगा दोस्तों एक बैच स्टार्ट करेंगे जल्दी ही है ना जे झारखंड दरोगा के लिए है ना स्पेशली बैच होगा जिसमें जनरल स्टडीज झारखंड मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ का क्लासेस होगा और ये जल्द ही स्टार्ट होगा तो आप लोग अगर इससे इन होना चाहते हैं तो आप लोग जरूर होइएगा और साथ में जेपीएससी पीटी के लिए एक अमेजिंग स्टार्ट होगा एक शानदार मार्गदर्शन में समझ गए ना एक शानदार स्ट्रेटेजी के साथ जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आपके साथ तो आपको बुलाएगा कि इस पर काम करने से हमारा पीटी निकलेगा है ना आपको निकलने में काफी मदद करेगा हमारा ये क्लास ठीक है ये क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही स्टार्ट करेंगे तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो अपना फीम फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं समझ गया ना बैच का फी भी मिनिमम होगा है ना बहुत ज्यादा हाई फी नहीं है ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल कुछ नए शानदार अमेजिंग टॉपिक और क्वेश्चन के साथ ठीक है तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद

ठीक है और उसके अलावा में ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है जो आपके बहुत काम का वीडियो है तो आप उसे भी देख कर धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहिए तैयारी करते रहिए तैयारी को छोड़ना नहीं है ठीक है क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो हार मानना नहीं है ना हार मानना नहीं नियोजन नीति बनेगा ही और आएगा ही और आएगा जेपीएससी झारखंड सरकार भी कहीं ना कहीं फास्ट है ठीक है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार वैकेंसी आएगा नियोजन नीति भी जल्दी ही आएगा और तेईस में सभी को मौका मिलेगा एग्जाम देने का आप प्रिपरेशन करते रहिए आप एग्जाम जब आएगा ना उसके बाद आप लगिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि कल नौ से सवा नौ के बीच में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट